बिलासपुर जिला में जल्द ही वाहनों की फिटनेस हाईटेक मशीनों के जरिए जांची जाएगी। इसमें छोटे से लेकर बड़े सभी तरह के वाहनों की जांच होगी। खास बात यह होगी कि पासिंग के लिए निर्धारित तिथि वाले दिन वाहनों की संख्या फिक्स की जाएगी। एक ही दिन में केवल 50 वाहनों की ही पासिंग होगी। आरटीओ बिलासपुर सिद्धार्थ आचार्य ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि जल्द ही विभाग बिलासपुर में इस मशीन की सौगात देगा। बिलासपुर जिला में जल्द ही वाहनों की फिटनेस हाईटेक मशीनों के जरिए जांची जाएगी। इसमें छोटे से लेकर बड़े सभी तरह के वाहनों की जांच होगी। खास बात यह होगी कि पासिंग के लिए निर्धारित तिथि वाले दिन वाहनों की भी संख्या फिक्स की जाएगी। एक दिन में केवल 50 वाहनों की ही पासिंग होगी। आरटीओ बिलासपुर सिद्धार्थ आचार्य ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि जल्द ही विभाग बिलासपुर में इस मशीन की सौगात देगा। मशीन की डिमांड हाई कमान को भेजी जा रही है। उन्होंने बताया कि हाई कमान से मशीन मिलने पर बिलासपुर में वाहनों की फिटनेस हाईटेक मशीनों के जरिए जांची जाएगी। इसके बाद पासिंग के लिए आवेदन भी ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए लिया जाएगा। बता दें कि मौजूदा समय में वाहनों की पासिंग, MBI गाड़ियों के कागजात, प्रदूषण, गाड़ी कितना धुआं छोड़ती है, गाड़ी किस कंडीशन में है आदि की जाँच लेता है। इस प्रक्रिया के लिए निर्धारित दिन में वाहनों का जमकर लग जाता है। HRTC वर्कशॉप के पास होने वाली पासिंग के दौरान मीलों लंबा जाम भी लगा होता है। ऐसे में नई व्यवस्था को शुरू करने के उपरांत विभाग पासिंग का वेन्यू भी बदलने पर विचार कर रहा है। मशीन के आने के उपरांत अब इस सारे झंझट से विभाग को छुटकारा मिलेगा। जैसा कि आप सबको विदित है कि गाड़ियों की पासिंग की स्पेसिफिक डेट्स डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट फिक्स करता है और उन डेट्स के ऊपर गाड़ियों की पासिंग की जाती है और जो पासिंग होती है वो MVI की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। MVI गाड़ियों को पास करता है, चेक करता है, इंस्पेक्ट करता है और वो अगर उनको लगता है कि कुछ गाड़ियों में डिफेक्ट्स हैं तो उन गाड़ियों को डिफेक्ट फॉर्म में डिफेक्ट्स लिखता है और जो व्हीकल ओनर्स हैं वो डिफेक्ट्स को कंप्लीट करके या उसी दिन या नेक्स्ट पासिंग वाले दिन अपनी गाड़ियों को पास करवाने आते हैं। ये एक ह्यूमन इंटरवेंशन का तरीका है जिससे कि पासिंग की जाती है। डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, खासकर जो डायरेक्टरेट है हमारा ट्रांसपोर्ट का, अब उस डायरेक्टरेट में इस विषय के ऊपर चर्चा की जा रही है कि क्यों ना इस पासिंग के प्रोसेस को मैकेनाइज कर दिया जाए और इस डायरेक्शन में ये सोचा जा रहा है कि पासिंग की जो प्रक्रिया है उसको मैकेनाइज्ड बनाने के लिए पासिंग मशीन जो है वो इंस्टॉल की जाए। और इस अगर पासिंग मशीन जो है वो इंस्टॉल की जाएगी तो मैं समझता हूँ कि जो गाड़ियों की चेकिंग है, इंस्पेक्शन है, वो अच्छे तरीके से हम कर पाएंगे और एज ऑफ टुडे ये जो प्रपोजल है ये डायरेक्टरेट ऑफ ट्रांसपोर्ट पे विचाराधीन है और हमें लगता है कि निकट भविष्य में इस तरीके का प्रपोजल को मंजूरी मिलेगी और जो पासिंग की प्रक्रिया है उसको हम और मैकेनाइज तरीके से कर पाएंगे और जो पासिंग मशीन है उससे गाड़ियों की इंस्पेक्शन जो है वो हम ज़्यादा